हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। इस चैनल में इन दिनों आपको एनसीईआरटी बुक्स क्लास टेंथ से रिलेटेड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के वीडियोज बन रहे हैं। पीछे हमने ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन पर डिपेंड हाइट एंड डिस्टेंस के लिए वीडियोज बनाए थे, अब एरिया रिलेटेड सर्किल के वीडियोज आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो एरिया रिलेटेड सर्किल 12th एक्सरसाइज है, जिसमें 12.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज स्टार्ट किए जाएंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बता देना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश में बहुत डिफरेंस नहीं होता, हम कॉमनली हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कोई परेशानी नहीं, हिंदी मीडियम वाले इजीली समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हायर क्लास में आपको हिंदी मीडियम में न बुक्स अवेलेबल होगी, ना आपको कोई टीचर पढ़ाएगा, तो आपको इंग्लिश मीडियम समझना ही होगा। मैथमेटिक्स में बहुत डिफरेंट नहीं होता। तो आप देखें 12.1 एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन नंबर 1, The radii of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the area of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. Question का sense है कि दो circle आपके पास हैं, 19 cm, 9 cm इनके radius हैं। Radii देखिए radius का plural है, तो 19 और 9 सेंटीमीटर ये दोनों सर्किल के रेडियस हैं। एक ऐसा सर्किल बनाना है, बनाना क्या है, उसकी रेडियस पानी है जिसका सर्कुमफेरेंस इन दोनों के सम के इक्वल हो। देखिए जो गिवन सर्किल हैं 19 सेंटीमीटर, इसको R1 आप लेट कर लीजिए, 19 सेंटीमीटर एक सर्किल जिसकी रेडियस है, दूसरा सर्किल 9 सेंटीमीटर, इसको आपने एस्यूम कर लिया 9 सेंटीमीटर। अब जिस सर्किल का रेडियस आपको निकालना है उसको आप करेंगे लेट द रेडियस ऑफ बिगर सर्किल बी आर सेंटीमीटर। सर्कुमफेरेंस के लिए आपके पास फार्मूला सी सिंबल से नोट करते हैं, सी इज इक्वल टू 2πr, सर्कुमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्किल एंड पाई इज कॉन्स्टेंट 22/7 इन डेसिमल फॉर्म 3.14। क्वेश्चन में अगर पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है यूज आप क्या करेंगे, जनरली आप 22/7 यूज करेंगे। तो यहां से देखिए आपको कंडीशन क्या है, सम ऑफ सर्कुमफेरेंस ऑफ बिगर सर्किल इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कुमफेरेंस ऑफ टू गिवन सर्किल्स रेडियस 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो सम ऑफ सर्कुमफेरेंस ऑफ बिगर सर्किल बाय दिस फार्मूला 2πr इज इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2। अब इस बड़े सर्किल का सर्कुमफेरेंस उन दोनों के सर्कुमफेरेंस के सम के इक्वल है, 2π से दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो r इज इक्वल टू
आर वन प्लस आर टू। वैल्यू ऑफ आर वन 19 सेंटीमीटर एंड आर टू 9 सेंटीमीटर, टोटल सम 28 सेंटीमीटर। तो इस बड़े सर्किल का रेडियस 28 सेंटीमीटर हुआ। यह एक सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए मार्क किए जाएंगे तो ये ओनली वन मार्क, केवल एक नंबर का क्वेश्चन है ये। ये बेसिक स्टार्टिंग है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, जो कोई टिपिकल भी नहीं था, इसलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन है, द रेडी ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्किल्स। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ये एट सेंटीमीटर रेडियस, पहले की तरह आर वन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आर टू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जिस सर्किल का रेडियस आपको फाइंड करना है उसका आप आर मान लीजिए। देखिए, ये फिगर में शो किए गए हैं, एक दो लाइन स्टेटमेंट आपको लिखना होता है। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल आर वन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सेकेंड सर्किल आर टू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ बिगर सर्किल बी कैपिटल आर। अब एरिया ऑफ सर्किल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस पाई कांस्टेंट 22/7। अब इस फार्मूला से एरिया ऑफ बिगर सर्किल दैट इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्किल्स ऑफ रेडियस आर वन आर टू, पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर डिवाइड। आप पाई से दोनों साइड को करते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर।
अब इनकी वैल्यूज R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल, स्क्वायर ऑफ 864 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सम ऑफ बोथ 64 एंड 36 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू है आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 स्क्वायर रूट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए ये 10 सेंटीमीटर रेडियस आपको उस सर्किल की रेडियस है जिसका एरिया उन दोनों सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है। ये भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से काफ़ी छोटा क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं, बिल्कुल फार्मूले पर डिपेंड। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा टिपिकल है और लेंदी भी है। ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा। डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। ये आपको स्कोरिंग रीजन बनाए गए इनसाइड गोल्ड कलर से बनाया हुआ एक सर्किल है, इसके बाद एक रेड कलर का आपको बैंड मिल रहा है, फिर ब्लू कलर का बैंड, ब्लैक कलर का बैंड और व्हाइट कलर का बैंड। इसमें आपको इन रीजन की गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट इन सारे बैंडों का एरिया निकालना है। गोल्ड के लिए आप देख सकते हैं, गोल्ड के लिए डायमीटर दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर, रेडियस आप फाइंड कर लेंगे 21/2 पाई आर स्क्वायर फार्मूले से गोल्ड रीजन का एरिया निकल जाएगा।
लेकिन रेड के लिए आपको क्या करना है? रेड के लिए आप देखिए, इसके इनसाइड गोल्ड है, ऐसे आप समझिए, ये रेड रीजन है और गोल्ड रीजन है और रेड, ये हो गया रेडियस ऑफ रेड रीजन विथ गोल्ड और ये हो गया रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। गोल्ड और रेड को लेकर के जो सर्किल बन रहा है उसका एरिया निकाल कर उसमें से आप गोल्ड रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये रेड बैंड आपको पता हो जाएगा। इसी तरह से ब्लू का निकालना है तो ब्लू रेड गोल्ड इन तीनों को इंक्लूड करते हुए जो सर्किल बन रहा है उसका एरिया निकालें और रेड गोल्ड का एरिया निकाल कर उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ब्लू, और आगे ब्लैक व्हाइट के लिए भी यही बात। तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हमारा मतलब केवल फिगर से होगा। अब इसमें दो चीजें आपको दी हुई हैं, गोल्ड रीजन जो है उसका डायमीटर और सभी जो बैंड बन रहे हैं उनकी विड्थ दोनों इक्वल थी। हम गोल्ड से स्टार्ट करते हैं और आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव रेडियस एस्यूम करते हैं। तो आर वन आपका क्या है? आर वन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन दैट इज 21/2 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ रेड रीजन विथ गोल्ड 21/2 ये पोर्शन और विड्थ इसकी 10.5 दैट इज आल्सो 21/2। 10.5 को आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 21/2 ही होगा। तो आर टू इज इक्वल टू 21/2 प्लस 21/2 42/2 मीन्स 21 सेंटीमीटर। ये रेडियस आप क्लियरली समझ लीजिए, इस गोल्ड से स्टार्ट करके रेड तक ये आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री आपका रीजन होगा यहां से यहां, इतना पोर्शन आपका आया है 21 और ये 10.5 मीन्स 21/2। तो ऐड कर दें 21 में 21/2 63/2 सेंटीमीटर ऐड करने पर आया। अब आप आर फोर लेते हैं, आर फोर आपका क्या हो गया? इस सेंटर से लेकर के यहां, अभी इतना हम लोगों ने निकाला क्या 63/2 और ये 10.5 है यानी 21/2। तो 63/2 प्लस 21/2 ऐड करते हैं 84/2 मीन्स 42 सेंटीमीटर। अब आप देखिए व्हाइट रीजन तक आते हैं, यहां तक आपको आया 42, अब फिर 10.5 मीन्स 21/2 ऐड होगा, ये रेडियस आर फाइव लिखा गया 42 प्लस 21/2 ऐड कर लिया गया 42 टू या 84
8421 ऐड कर दिया गया तो 105/2। सारे रीजन के लिए एरिया का सिंबल हम नोट करते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन A1, एरिया ऑफ रेड रीजन A2, ब्लू रीजन A3, ब्लैक A4 एंड व्हाइट A5। इन सिंबलों से नोट करते हैं तो A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ गोल्ड रीजन पाई R1 स्क्वायर, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन 21/2, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 21/2 इंटू 21/2। 7 से 21 को डिवाइड कीजिए 3 टाइम, 2 से 22 को डिवाइड किया 11 टाइम। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 11 3 21, 21 3 का मल्टीप्लिकेशन 63, 21 3 जा, फिर 11 से मल्टीप्लाई करें 693/2, ये 2 आपका नीचे बचा हुआ है। 2 से डिवाइड किया 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से डिवाइड करने के ये गोल्ड रीजन का एरिया, सभी रीजन का आपको एरिया निकालना। अब A2 नोट किया गया है, एरिया ऑफ रेड बैंड रीजन, तो रेड रीजन के साथ रेडियस क्या है R2, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 पाई R1 स्क्वायर, ये गोल्ड रीजन है, और पाई R2 स्क्वायर रेड विथ गोल्ड, सब्ट्रैक्ट किया जाए पाई R2 स्क्वायर 22/7 इंटू R2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 पाई R2 स्क्वायर माइनस बाई 2 होगा ये 693/2 लिख दें फ्रैक्शन में, और कैलकुलेट करके निकालते हैं 73 या। अब मल्टीप्लाई करें, 22 और 21 का मल्टीप्लिकेशन 346.50 लिखा था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 22 21 का मल्टीप्लिकेशन, और 3 से फिर मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 या 6, 3 6 या 18, 3 4 या 12 प्लस 1 13, इसमें से आपको 346.50 सब्ट्रैक्ट करना है 0 5 15 - 6 9, 7 - 4 3, 3 - 3 0, 1039.50
ये आपका एरिया हो गया सबट्रैक्ट करने के बाद, इतना ये एरिया ऑफ रेड रीजन। फिर एरिया ऑफ ब्लू रीजन के लिए हमको जाना होगा, ब्लू रीजन के साथ आप देखिए रेडियस आपका होता है गोल्ड रेड ब्लू मिलाकर, और ये था आर थ्री। एरिया आपका ब्लू बैंड के लिए ए थ्री इज इक्वल टू पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर। अब इस रीजन को लेने के लिए इजीली कैलकुलेट करने के लिए तो आप पाई कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा आर थ्री स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ब्रैकेट में आर थ्री स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर होगा, एक ब्रैकेट में आर थ्री प्लस आर टू, दूसरे में आर थ्री माइनस आर टू। अब इनकी वैल्यू पुट की जाए, पाई आपका 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर थ्री आपका 63/2 प्लस आर टू है 21, 63/2 माइनस 21, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई इनको ऐड करिए तो 21 2 42 और 63 ऐड करिए 325 6 4 10 105/2 और इसको करेंगे तो 21/2। अब 2 से डिवाइड किया 22 को 11, 7 से 105 को 15 इंटू 21/2। अब आपका मल्टीप्लिकेशन होगा 15 से 21 को 315 × 11 टू से इसको डिवाइड किया तो 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आपका हुआ ए थ्री 1 2 3 ब्लू रीजन। अब ब्लैक रीजन के लिए ब्लैक रीजन के लिए रीजन ए फोर लिखा हुआ है, ए फोर इज इक्वल टू पाई आर फोर स्क्वायर माइनस पाई आर थ्री स्क्वायर, पाई ब्रैकेट में आर फोर स्क्वायर माइनस आर थ्री स्क्वायर, पहले की ही तरह आर फोर प्लस आर थ्री आर फोर माइनस आर थ्री।
वैल्यू आप पुट करेंगे 22/7, आर फोर की वैल्यू यहाँ से 42, आर थ्री आपका हो गया 63/2, 42 - 63/2। अब कैलकुलेट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 2 से मल्टीप्लाई किया 84 हो गया और 63 ऐड कर दिया 4 3 7 8 4 14 147 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21/2। अब ये कैलकुलेट करना, 2 से डिवाइड किया 22 को 11, 7 से 147 को किया 21 × 21 और बाई 2 4 4 1 मल्टीप्लाई बाय 11 बाई 2 ये हो गया 2 कैलकुलेट करने के बाद 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फिर से देखते हैं, ये आया कैलकुलेट करने पर। तो यहाँ आप 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर A4 हो गया। A5 के लिए हम देखना चाहें A5 आपका होगा पाई आर फाइव स्क्वायर माइनस पाई आर फोर स्क्वायर। पाई कॉमन, आर फाइव स्क्वायर माइनस आर फोर स्क्वायर, आर फाइव प्लस आर फोर, आर फाइव माइनस आर फोर, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। पाई आर फाइव 105/2 प्लस आर फोर 42 105/2 माइनस 42 ये 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 189/2 और ये हो गया 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होनी चाहिए। 7 से देखिए इसको डिवाइड करेंगे
27 टाइम और 2 से 11 टाइम, फिर मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ व्हाइट रीजन दैट इज ए 5। अब एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचते हैं, उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करके और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सेक्टर सेगमेंट इनके लिए फार्मूले बता देंगे, ताकि अगले वीडियो में हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, पसंद आने का मतलब अगर ये आपको पढ़ने के दृष्टिकोण से समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।